दोस्तों, तो आज हम HP के डेस्कटॉप 1112 का अनबॉक्स करने जा रहे हैं। ये होम यूज़ के लिए है, इसे हमने अमेजोन से मंगवाया था। ये है आपकी कलर्ड कार्ट्रिज और ये है एक ब्लैक कार्ट्रिज। ये है आपकी पावर केबल और सिग्नल केबल। ये आपके PC को प्रिंटर में सिग्नल देने के लिए काम आती है और एक प्रिंटर को पावर करने के लिए। ये है हमारी इंस्टॉलेशन डिस्क, इसके अंदर हमारे प्रिंटर का ड्राइवर है। यह है इंस्टॉलेशन मैनुअल, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है कि हम अपने प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए सेटअप कैसे कर सकते हैं। यह है सेफ्टी मैनुअल, इसके अंदर लिखा है कि हम अपने प्रिंटर को कैसे केयर कर सकते हैं और हमें किसी भी ज़रूरत हो तो हम कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह है हमारा मेन हार्डवेयर, हमारा प्रिंटर। ये प्लास्टिक की कवरिंग के अंदर आया है, आप थोड़ा वेट करिए तब तक हम इसे उतारते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग को उतार लिया है। यह है इसका पावर ऑन ऑफ बटन। यह है आपका पेपर आउटपुट, यहाँ से हम पेपर के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। यह है हमारा पेपर इनलेट, इसके ऊपर प्रोटेक्टिंग कवरिंग्स लगी हुई है, हम इन्हें उतार देते हैं। ये हमारा पेपर होल्डर है, ये इस तरह ओपन होकर हमारे पेपर को सेफली होल्ड करता है। यहाँ से हम अपनी कार्ट्रिज को लगा सकते हैं। ये है हमारी कलर्ड कार्ट्रिज। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। कलर कार्ट्रिज लेफ्ट साइड इंसर्ट होगी। हमारा कार्ट्रिज होल्डर इस तरफ है। ये है हमारी ब्लैक कार्ट्रिज। ये भी सिमिलर पैकिंग के अंदर है और इस पर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ब्लैक कार्ट्रिज राइट साइड इंसर्ट होगी। इसे हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस भेज देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। हमारा प्रिंटर सेटअप हो चुका है, हमें बस इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर इसे कनेक्ट कर हमें टेस्ट पेज प्रिंट करना होगा और हमारा प्रिंटर यूज़ करने के लिए रेडी होगा।